हमारा सफ़र शुरू होने वाला है ग्वालियर से सागर की तरफ, तो टारगेट यही है कि जल्दी से जल्दी सागर पहुंचा जाए और नेक्स्ट स्टॉप जो है वो सागर में किया जाए। तो दोस्तों अभी जो ग्वालियर से सागर की तरफ जाने का प्लान बन गया है, टारगेट यही है कि 5-6 घंटे में सागर पहुंचा जाए। अभी जो समय है वो 2:20 के करीब है, 10-15 मिनट और यहाँ बिताकर ग्वालियर में सागर की तरफ निकला जाएगा और वहाँ जल्दी से जल्दी पहुंचकर फिर रेस्ट की जाएगी। तो अभी किले के ऊपर ही घूम रहे हैं, थोड़ा दूसरी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे व्यू बड़ा शानदार है शहर का और आपको दिखाते हैं। एक किले के ऊपर से ग्वालियर सिटी का व्यू है। तो अगर ये समझा जाए तो जो शहर है ग्वालियर वो छोटे छोटे पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, वो निचली जगह पर है और ये किला जिस तरह बनाए जाते हैं अक्सर वो काफ़ी ऊंची जगह पर बनाया गया है। वो शहर है ग्वालियर, ये वो रास्ता है जो ऊपर तक आता है। ये पहाड़ हैं जो मिट्टी वाले पहाड़ होते हैं, जो ऐसे हिमाचल में हमें देखने को मिलते हैं, ये वो वाले पहाड़ नहीं हैं, ये सख्त पत्थर के पहाड़ हैं। अभी जो ऊपर एक टेलीफोन बूथ बना है उस जगह पे हमें रोका गया है, कोई नीचे से हो सकता है कोई बड़ी गाड़ी आ रही हो पहाड़ी से नीचे उतरने के लिए। तो अगला जो हमारा टारगेट है सागर पहुंचने का, तो वो लगभग 300 किलोमीटर के करीब है, 320। गूगल बता रहा है 5:30 और अगर मैं अपनी ड्राइविंग के हिसाब से एवरेज देखूँ जो 70 किलोमीटर पहले आइए आगे रोड पर डिपेंड करेगा, 5 घंटे के अंदर अंदर हमें पहुंच जाना चाहिए वहाँ पे। तो जाने का जो प्लान बना है वो वाया झांसी, अभी मध्य प्रदेश से फिर यूपी और यूपी से फिर मध्य प्रदेश, और झांसी में एक बार फिर तेल डलवा लेंगे क्योंकि तेल जो डीजल है वो एमपी में महंगा है और यूपी में सस्ता है। तो अभी जो है हमें जाने की इजाज़त मिल गई है। सामने ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहे हैं, थोड़ा उनसे दूरी बनाकर ही चलेंगे। तो गाड़ी को मैं जो है वो फर्स्ट गियर में उतार रहा हूँ, ब्रेक के सहारे गाड़ी नहीं उतारा, ढलान बहुत ज़्यादा है। ढलान ज़्यादा हो तो कोशिश करनी चाहिए गाड़ी गियर में ही इंगेज करके नीचे उतारी जाए, उससे जो गाड़ी पे जो कंट्रोल है वो बेहतर रहता है। जब जो किले से नीचे आते हैं तो जहाँ पे पहाड़ के अंदर मूर्तियाँ बनाई गई हैं थोड़ी उस तरफ भी हैं। अब ये कब बनी किसने बनाई ये थोड़ा सा सर्च का विषय है, गूगल करके इसके बारे में जानने की कोशिश की जाएगी। देखिए जो कंडीशन है वो कई जगह पे ख़राब होती नज़र आ रही है, तो ऐसा लग रहा इनको संभाल की ज़रूरत है, थोड़ा देख रेख का वहाँ इशू लग रहा है। यहाँ पे भी मूर्तियाँ हैं। तो जहाँ से जी ग्वालियर से बाहर आकर हम जा रहे हैं नेशनल हाईवे 44, को लाइट वाइट का साधन नहीं है, अपना ही बचाकर चलना होगा। काफ़ी गलत है ये, मतलब आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट भी है राइट भी है, नेशनल हाईवे है, पीछे से गाड़ियाँ तेज आ रही हैं, लाइट का कोई सिस्टम बंद है सिस्टम, ये ख़तरनाक हो सकता है। यार ये चलते चलते एक दातिया करके टाउन है जहाँ पे आगे बहुत लंबा ट्रैफिक जाम नज़र आ रहा है।
थिंक ये लेफ्ट में कुछ है, ट्राई कर लेते हैं टाउन के अंदर। गूगल मैप की मदद से जो ट्रैफिक जैम है उसको पीछे छोड़ते हुए शहर के अंदर से थोड़ा जुगाड़ वाड़ करके निकल आए। लो जी, वापस जो है झांसी सागर रोड पर चढ़ चुके हैं। काफ़ी ट्रैफिक जाम था, अभी तक मुझे नहीं पता वो खुला कि नहीं खुला, लेकिन हम उसको पास करके आ गए हैं। तो ये जो झांसी टाउन है, जो उसका आउटस्कर्ट है, जो हमें नज़र आ रहा है इस तरफ, हम बाहर बाहर से जा रहे हैं। ये मेन झांसी टाउन नहीं है, उसका बाहर का जो एरिया है वो है। तो इस समय जो है हम जा रहे हैं झांसी और सागर के बीच में। सागर यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। और एक चीज़ जो मैं नोट कर रहा हूँ कि यहाँ की जो मिट्टी है, आप सामने पहाड़ आ रहा देखते हैं, वो लाल है। जहाँ पे एक दरिया था वो रिवर था, पता नहीं, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा कौन सा था, लेकिन ये बिल्कुल सख्त मिट्टी है, लाल। आप देखिए पहाड़ जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसलिए खेती बाड़ी का काम तो यहाँ पर कम ही नज़र आता है। आसपास ज़्यादातर जंगल सा एरिया है, पेड़ तो काफ़ी हैं, ग्रीनरी है। सागर यहाँ से 150 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है ऊपर। जो है बाई तरफ हम देखें तो एक बहुत बड़ी लेक है। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है, ग्रीन ग्रीन है, वेजिटेशन काफ़ी है, मौसम भी अच्छा हो गया है, थोड़े बादल से हैं, ज़्यादा धूप नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर नज़ारा है बाहर, मतलब ड्राइव करने का मज़ा आ रहा है। बस हाईवे का जो स्पीड लिमिट है वो 80 की है, तो जैसे हाईवे बहुत ही बढ़िया है, स्मूथ है, तो पता नहीं चलता गाड़ी कब 100 पे चली जाती है, फिर थोड़ा पैर उठाना पड़ता है, फिर 80 पे आती है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। झांसी से जो सागर का रास्ता है बहुत ही बढ़िया रास्ता है, चारों तरफ जो है ग्रीनरी ग्रीनरी वेजिटेशन। थोड़ा खेत कम है, जैसे आप पंजाब या हरियाणा या फिर यूपी का जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें अगर देखते हैं तो आपको जो चढ़ के उसके आसपास खेत नज़र आते हैं, फसलें नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है पेड़ ही पेड़ नज़र आते हैं। मैं कोई बहुत बड़ी फसल का खेत या ऐसा मैंने अभी यहाँ नहीं देखा है, छोटे मोटे खेत हैं। तो इस यहाँ का जो क्लाइमेट है, अभी देखें बाएँ तो एक छोटा सा खेत है, पता नहीं वीडियो में शायद अच्छे से नज़र ना आए, लेकिन ज़्यादातर वेजिटेशन है दूर दूर तक, छोटे छोटे, और पेड़ भी जो जहाँ पे वेजिटेशन है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबे बहुत बड़े पेड़ हैं, जो एक मीडियम साइज के पेड़ रहते हैं, झाड़ीनुमा पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, तो हाइट पेड़ की बहुत ज़्यादा नहीं है। तो और जैसे सफ़ेदा नहीं नज़र आ रहा है कहीं, वो नहीं है, नीम के पेड़ हैं, नीम के पेड़ की हाइट जो बहुत ज़्यादा नहीं होती। आज उस तरह की फीलिंग आ रही है जब मैं अमेरिका में था एक बार, और वाशिंगटन डीसी से फिलाडेल्फिया, उसके बाद न्यू जर्सी रोड से गए थे, बिल्कुल ऐसा नज़ारा था, ग्रीनरी ग्रीनरी। वहाँ पे तो ऐसा था कि अभी रोड पे यहाँ पे गाँव या लोग नज़र आ जाते हैं, वहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, जो एक्सप्रेस वे होते हैं बिल्कुल बाहर रहते हैं, ग्रीन होता है चारों तरफ। तो इसी तरह बोस्टन से कुछ और आसपास के जो स्टेट्स हैं उनमें गया था मैं, तो वहाँ पे भी जो हाईवे इसी तरह से हाईवे है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, छोटी हाइट के पेड़, बहुत ही खूबसूरत।
आज कुछ उसी तरह का नज़ारा आ रहा है इस हाईवे के ऊपर। अब ये काम देखिए कितना खतरनाक है, गाय का बछड़ा जो है बिल्कुल रोड के बीच में बैठा है भाई, पता नहीं बेचारा कब तक बचेगा ऐसे। दाईं तरफ देखिए आप, तो अभी इस समय हिम्मत तो है कि मैं कम से कम 300 किलोमीटर गाड़ी चला सकता हूँ और, लेकिन ये जो आवारा पशुओं वाली प्रॉब्लम है ना, इसके चक्कर में डर लग रहा है। मैं रात को गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलाना चाह रहा यहाँ पे, जबकि हाईवे बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार रोड मिले हैं शुरू से। थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ जो हरियाणा का हाईवे था वहाँ से लेके पलवल से लेके आगरा तक, और आगरा के बाद भी थोड़ा उसमें थोड़ा गड़बड़ रही, बीच में कोई भी रिपेयर का काम चल रहा था, बाकी ज़्यादातर अभी तक सब कुछ सही सलामत ही मिला है। भाई ये तो बहुत भयंकर समस्या, दाईं तरफ आप देखिए लगातार देखिए आगे रोड के अंदर फिर एक बछड़ा है। तो कैसे मुझे नहीं पता ये कैसे लोग रात को यहाँ गाड़ी चलाते हैं। भाई अभी देखिए, ओ तेरी कान से निकाले, ट्रक के पीछे चलते हैं। अब नेशनल हाईवे पे इस तरह ना तो जे इस इन गांव के लिए सेफ है। और ना ही जो ओके थैंक यू। इस तरह आवारा जानवर का हाईवे के आसपास और हाईवे के ऊपर ही घूमना जो है ना तो गाय के लिए ठीक है और ना ही जो वाहन चालक है उनके लिए ठीक है। अगर स्कूटर मोटरसाइकिल वाला इनके साथ टकरा जाए तो बहुत ही भयंकर तरीके का एक्सीडेंट हो। देखिए अब लगातार गाय बैठी हुई हैं दाई तरफ, बहुत इतनी भयंकर समस्या। मैं पहले कह रहा था कि हरियाणा में भी थोड़े दिखे, लेकिन इतनी भयंकर समस्या नहीं थी वहाँ, यहाँ बहुत ज़्यादा। बहुत सारे टोल आए रास्ते में तो तब तो मैंने ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाई। तो एक सागर से पहले एक टोल आ रहा है, उम्मीद है कि ये लास्ट टोल ही होगा। अबे तेरी तेरी, थोड़ा स्पीड ब्रेकर बड़ा था, उम्मीद से ज़्यादा बड़ा था। तो देखो क्या बनता है 115 का। चलो 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 खोलो भाई। क्या हो गया, पीछे ट्रक खड़ा है, मुझे बोल रहे पीछे कर लो। अरे भाई 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 भाई, ये टाइम मत खराब करिए, चल बड़ा जी। तो दोस्तों फाइनली सागर पहुंच गए हैं, लगभग 7:15 बजे पहुंच गए थे, थोड़ा हम गुमराह हो गए। गूगल ने जो पहले रास्ता बताया था वो ठीक था, लेकिन वो थोड़ा टूटा हुआ था, एक और रास्ता दिखा रहा था हम उसमें चले गए। वो थोड़ा गांव से होकर आ रहा था जो बाईपास है सागर का, उससे जो सागर में आने के लिए हमें 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। तो 3:15 के करीब हम चले थे और ग्वालियर से, और यहाँ पर हम 7:15 पहुँच गए। तो टारगेट मैंने 4.5 घंटे का लिया था, लेकिन 4 घंटे में पहुंच गए। रोड बहुत अच्छे थे और थोड़ी जगह पे स्पीड लिमिट थी, कैमरे काफ़ी जगह लगे हुए थे। बस यही एक थोड़ा सी चिंता का विषय है कि कोई चलान ना हो गया हो। तो स्पीड मैंने भी ज़्यादा नहीं रखी, 100 रोड अच्छा था तो 90 के बीच में ही ज़्यादातर चला। जब काफ़ी जगह पर हाईवे पर ऐसा था कि ये कह लो कि स्पीड लिमिट लिखी नहीं हुई थी, मैं काफ़ी ढूंढता रहा, जहाँ पे दिखी 80 की थी ज़्यादातर,
तो फिर मैंने वही मेंटेन करने की कोशिश करी। देखे दो तीन दिन में पता चल जाएगा अगर कुछ चलान वगैरह हुआ तो। अब यहाँ पे कुछ खाने के लिए रुके हैं और उसके बाद एक कहीं ठहरेंगे और कल सुबह फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो होगी वो होगी नंदेड़। पूरा दिन और कहीं रास्ते में छोटा मोटा स्टॉप होगा, कोई बड़ा स्टॉप लेने का कोई इरादा नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। धन्यवाद।